सर, एक महिला अस्पताल से कल बच्चा चोरी हुआ था, बच्चा आज मिला कि नहीं मिला, और किस तरह से अस्पताल प्रशासन की तरफ से बच्चा खोजने की तैयारी की है? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना एक हमारे हॉस्पिटल में हो गई थी परसों रात के 2:30-35 पर ये घटना हुई थी। क्योंकि हॉस्पिटल में हम लोगों ने इतनी मुकम्मल व्यवस्था कर रखा है, चप्पे चप्पे पर CCTV लगाए हैं, और रात के टाइम में हम सारे दरवाजे बंद करके सिर्फ एक ही इमरजेंसी ओपन करते हैं, वहीं से वो एंट्री है, वहीं से एग्जिट है, मतलब वहीं से आदमी आएगा, वहीं से जाएगा, और पूरे पैसेज को हमारा कैमरा कवर करता है। और जो भी आदमी था, पता नहीं किस इंटेंशन से आया था, और ऐसी ड्रेस में आया था कि माना जा रहा था कि किसी अटेंडेंट होगा किसी मरीज का, क्योंकि एक बरमुंडा पहना था, टी शर्ट पहना था, हाथ में पानी पीने का बोतल लिया था। गार्ड देखा तो मान के चला कि भाई प्यास लगे होगी, बाहर आया हुआ, चूँकि आर ओ से पानी भरा, बाहर जाके हमारे यहाँ आर ओ प्लांट लगा है, वहाँ से पानी भरा ठंडा, मुँह हाथ धोया और चल दिया। आया तो इधर से घूमते टहलते गया और उस बच्चे को उठाया, जबकि उस वार्ड में आठ पेशेंट हमारे भर्ती हैं, पूरे वार्ड भरा हुआ था और उसके सारे अटेंडेंट थे, अब सो गए थे सारे लोग, ध्यान नहीं दिया किसी ने, माँ की गोद से बच्चा उठाया और लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद माँ को एहसास हुआ तो उसने बताया, तो फिर हम लोग तुरंत आ गए। मतलब 2:30 की घटना है, 2:40 पे हम लोग एकदम बिल्कुल एक्टिव हो गए रात में, और 2:40 रात से फिर हम लोग कैमरा खंगालना शुरू किए, फिर CCTV देखे, उसकी वीडियो बनाया, पुलिस को बुलाया, पुलिस को सारी चीज़ बताया दिया उसको, पुलिस फिर तहकीकात में लग गई रात में ही। हम लोगों भी अपने जितने परिचित मित्र हैं उसकी फ़ोटो वायरल किया, सोशल मीडिया पर वायरल किया, सब लोगों ने अपना टैग लगाया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो कल शाम को बच्ची बरामद होगी। थैंक गॉड बच्ची बिल्कुल ठीक है, सलामत है, वहाँ से पुलिस लेके आई है कल शाम को, हमारे डॉक्टर ने उसको चेक कर लिया, माँ को सपोर्ट कर दिया, बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। बहुत जो हुआ वो तो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन अच्छा ये हुआ कि बच्ची सलामत आ गई हमारे हॉस्पिटल में, माँ को उसकी बच्ची मिल गई। इस तरह की घटना दोबारा न हो इसके लिए हम लोग और काम कर रहे हैं और एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं क्या क्या किया जा सकता है। गार्ड्स को हमने कह दिया कि रात में कोई भी आदमी एंट्री करेगा तो उसकी सारी डिटेल्स नोट की जाएगी, फ़ोन नंबर लिया जाएगा और एक आदमी उसके साथ देखेगा कि वास्तव में वो अटेंडेंट है कि नहीं। तो रात की एंट्री हम बहुत रिस्ट्रिक्टेड करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि वास्तव में जो गार्जियन के साथ उसके साथ है वही रहे, अननेसेसरी के लोग रहेंगे तो हम निकालेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, FIR करेंगे, सब करेंगे, क्योंकि हम अपने हॉस्पिटल की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में है नहीं। जो हुआ है उससे मुझे बहुत हम लोग परेशान हुए, लेकिन आप लोगों के सहयोग से, पूरे जनता के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से ये बहुत अच्छा पटा